ये होता रिमोन हमारे पास आई है, इसकी ये चाबी है, लेकिन ये निशान आया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ये लीवर ख़राब हो चुके हैं, इसके दरवाजे को चाबी नहीं लग रही, ये चाबी काम नहीं कर रही, ठीक है। अब इसको हम रिपेयर करेंगे, माशाल्लाह भाई ने गाड़ी मॉडिफाई करवाई हुई, अल्लाह पाक इनके नसीब करे, गाड़ी बहुत अच्छी है पर चाबी की कंडीशन भी बहुत प्यारी है, पर चाबी जो है ना काम नहीं कर रही, लॉक ख़राब हो चुका हुआ है। ये देखिए ये लड़की मंदिर से खुला हुआ भी है, ठीक है, सारा निकाल के इसको रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये होंडा रिबॉन है 2006 मॉडल, तो ये दरवाजे में चाबी काम नहीं कर रही, बाकी इंशाल्लाह लगा के दिखाते हैं। ये देखिए एक तो ये लीवर मुझे ख़राब लग रहा है इसका। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीवर का नंबर है X4 और ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल बैठ गया है। अब मैं X4 यहाँ से आपको नया दिखाता हूँ, X4 किधर गया, ये देखें, ठीक है, ये चीज़ इसकी ख़राब हो गई, ये वाली, ये X4 मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, ये ताला देखें, ठीक है, ये ताला उनका चलना शुरू हो गया, लेकिन ये खाली X4 नहीं ख़राब हुआ, इसके अंदर और भी कुछ लीवर जो है ना ख़राब हो चुके हैं। इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, ये थोड़े थोड़े से ये भी बैठ गए हैं ऊपर से ना, तकरीबन इसका X4 ही ख़राब था ज़्यादा, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया, अब नया डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये गाड़ी का ये ताला ओके हो गया। अब जितना ये असल में होंडा की ये चाबी जो होती है ना, ये चाबी जब थोड़ी सी घिस जाती है ना ज़्यादा, तब ये ताले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब ये एक लीवर ख़राब निकला, हमने ये नया डाल दिया है, ये दोबारा भी ख़राब हो सकते हैं, नेक्स्ट कोई और ख़राब हो सकता है, ये होते रहते हैं होंडा के ताले जो है ना, कोई भी होंडा है ना, बेशक कोई भी मॉडल है जिसकी चाबी ये वाली है, उसके ताले तो मस्त है, ज़रूर ख़राब होंगे अगर हम चाबी यूज़ करते रहते हैं तो। ओके जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बाकी तो फिटिंग का काम है, वो लड़के करते हैं इंशाल्लाह, बस अब मेरा काम था आपको दिखाना और बताना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हम अपने आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।